गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आप लोग को दिखाने जा रहे हैं कि कोयला में आप लोग जो चूल्हा बनाएंगे, कोयला से जलाएंगे कैसे। तो देखिए, ये वाला मेरा बड़ा भैया है जी, सोहन सिंह है इसका नाम। ये मेरा छोटी बहन है, ये सुलेखा सिंह है इसका नाम, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे। पहले आप लोगों को थोड़ा पानी ले लेना है, उसके बाद ईंट ले लेना है। ईंट के बाद यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे रोड के टुकड़े को ले लेना है, ताकि जहाँ पे हम लोग कोयले को रखेंगे जो नीचे ना गिर जाए, ठीक है। पहला स्टेप है हम लोग को जो कि मिट्टी है इसको थोड़ा गीला गीला करके इसको अच्छा तरीके से ईंट को बैठाना है। ये वाला हम लोग का पहला स्टेप है। देखिए, कादा को थोड़ा अच्छा तरीके से मिला लेना है पानी के साथ, इसके बाद बैठाना है। थोड़ा अपने हिसाब से, मतलब ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ज़्यादा पानी पानी भी नहीं करना है, जैसे एक दूसरे को ईंट जैसे चिपक जाए उसको वैसा करना है। जो घोला बनाए हैं उसको उसमें लिपटा देंगे, कादा को फिर थोड़ा अच्छा तरीके से मिला मिला के इसको देख रहे हैं किस तरह से तैयार किया जा रहा है। लेकिन चूल्हा बना रहा है जो कि कोयले से जलाया जाएगा, यहाँ पे जो दिखना सब्जी बनेगा बात। देखिए, रोड को किस तरह से हम लोग रख रहे हैं, और ज़्यादा दूर दूर में नहीं रखना है, क्योंकि जो हम लोग का कोयला होगा गिर ना जाए, इसके लिए आस सामने सामने उसको रखना है, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है किस तरह से सोहन सिंह ने रख रहा है इसको। देखिए स्टेप बाय स्टेप, अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको इस वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। फिर इसको अच्छा तरीके से बैठाना है, जैसे ये लोग चिपक जाए रोड के साथ।
तरह देखिए ये वाला अभी कंप्लीट होने वाला है, देखने यानी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कैला यहाँ पे रखा जा सकता है, इसलिए थोड़ा बड़ा बनाया गया है। इसको देखिए जो बड़ा है, जो कोयला है उसका बड़ा बड़ा है। अगर आपके पास मतलब बेच छोटा 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 है तो उसका साइज भी थोड़ा छोटा करके रोक के रख सकते हैं ताकि जो कोयला है वो नीचे ना।